मुंबई के मशहूर फूड जॉइंट बड़े मियां पर एफडीए ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान अधिकारियों को बड़े मियां के किचन में कॉकरोचेस और चूहे मिले हैं। एफडीए के अधिकारियों ने 76 साल पुराने इस फूड जॉइंट के कागजात की जांच की तो पता चला कि बड़े मियां के पास एफएसएसएआई का लाइसेंस था ही नहीं। मगर बड़े मियां पर एफडीए की रेड के दौरान आज तक संवाददाता दीपेश त्रिपाठी वहीं मौजूद थे। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। जाने माने रेस्टोरेंट बड़े मियां पर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की रेड पड़ी हुई है। हम फिलहाल उसी रेस्टोरेंट पर हैं जहां पर एफडीए के अधिकारी रेड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दृश्य में किस तरीके से जहां जो सामान था, जो खाने पीने की चीज़ें थी, उनको सीज किया जा रहा है। एफडीए अधिकारी उस पर अपनी मोहर लगा रहे हैं। अनहाइजीनिक और लाइसेंस के इश्यू को लेकर ये रेड की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एफडीए के अधिकारी जो हैं वो सारी चीज़ें सील कर रहे हैं। हमारे साथ एफडीए के अधिकारी हैं इंगोले जी। सर, ये रेड क्यों हुई है, क्या वजह है? ऐसा है कि मुंबई में अभी होटल रेस्टोरेंट का इंस्पेक्शन और सैंपलिंग का सब मुहिम चालू है, और जो भी नामांकित होटल्स जो है वहाँ पे वीआईपी गेस्ट वगैरह जाते सब तरफ सब होटल का चालू है, लेकिन बड़े में अभी उसमें से एक था। हमने आज दोपहर में यहाँ पे एक मुहिम के अंतर्गत इंस्पेक्शन के लिए हम विजिलेंस की टीम और हमारे लोकल ऑफिसर यहाँ के आए थे। तो यहाँ आने के बाद हमें ऐसा दिखा कि इनके दो सेंट्रल किचन है, बाजू में दो सेंट्रल किचन है जहाँ पे फूड बनता है, और बाकी इनके आउटलेट में बाजू के आउटलेट में सर्व होता है। तो जो सेंट्रल किचन का इंस्पेक्शन करने के बाद हमें पता चला कि ये विदाउट लाइसेंस है, और यहाँ पे कॉकरोचेस और रैट्स का और इधर अदर इंसेक्ट्स का बहुत बड़े पैमाने पे हमें दिखाई दिए। बाकी अनहाइजेनिक कंडीशन वगैरह ये था, तो हमने ये तीनों यूनिट का इनका इंस्पेक्शन किया है। अभी इंस्पेक्शन करने के बाद जो हमें उसमें से जो इरेगुलरिटी दिखी है उसके हिसाब से विदाउट लाइसेंस है, बाकी इंसेक्ट्स का जो है, तो ये देखते हैं और ह्यूमन हेल्थ का जो अभी इम्पोर्टेंस देखते हैं। जैसा ऊपर से आदेश हुआ होगा हम तो उसको फॉलो करेंगे। जैसे हमारे पास इन्होंने बताया साहब ने कि आपके पास ये वाला एफडीआई का लाइसेंस नहीं है, उसके लिए हमने अप्लाई किया है, और बाकी हमारे पास लाइसेंस है गुमास्ता के हैं, और बाकी हेल्थ के डिपार्टमेंट के लाइसेंस है, बाकी बीएमसी के सारे लाइसेंस हैं हमारे पास। हर एक एफडीआई का लाइसेंस हमारे पास अभी रिन्यूअल में है। इसी के लिए जो कार्रवाई है वो फिलहाल आप देख सकते हैं एफडीए विभाग द्वारा की जा रही है। कुछ सैंपल्स यहाँ पर सीज गए हैं, और तब तक इनके जो तीन आउटलेट हैं उनको स्टॉप बिजनेस का नोटिस जो है वो दे दिया गया है। जब तक वो एफडीए के दिए गए नियमों का पालन नहीं करते, लाइसेंस नहीं लेते और जो नियम दिए गए हैं उनके साथ कंप्लाई नहीं करते, तब तक उनको अपना ये बिजनेस बंद रखना पड़ेगा। कैमरामैन स्वराज के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक।